कांकेर माहुरबंद पारा स्थित ब्रह्म कुमारी परिसर में धूमधाम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई। संस्था परिसर में ही कृष्ण के बाल स्वरूप की मनमोहक झांकियां सजाई गई। सबसे नन्हा कृष्ण दो माह का प्रिंस पटेल जो पालने में था, 3 वर्ष के तेजस साहू और एक बड़े कृष्ण 12 वर्ष के सुभाषिस ने कृष्ण का रूप धारण किया। वह 13 वर्षीय आयुषी साहू राधा बनी। बच्चों ने भगवान का रूप धारण कर सबका मन मोह लिया। झांकी का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस विभाग के SP KL ध्रुव और विशिष्ट अतिथि कांकेर जेलर SP भार्गव, कांकेर जिला प्रमुख बी के रामा दीदी, सहयोगी बहन बी के अध्ययन ब्रह्म कुमारी चारामा की संचालिका बी के यूस ने दीप प्रज्वलित करके किया। ब्रह्म कुमारी के बहनों और अतिथियों ने कार्यक्रमों में उपस्थित सभी भाई बहनों को बधाई और शुभकामनाएं दी। रामा दीदी ने जन्माष्टमी का आध्यात्मिक रहस्य बताते हुए कहा कि हमें केवल झांकी देकर उत्सव मनाकर खुश नहीं होना है, अपने अंदर झांक कर भी देखना है हमारे अंदर क्या कमी है, अवगुण है, और उसे ईश्वरीय ज्ञान और ध्यान से दूर कर अपना जीवन कृष्ण की तरह महान और सुंदर बनाना है। बीके यूस ने कहा कि ये सोचने की बात है कि दुनिया में जितने भी महान लोग होकर गए हैं उनका जीवन जन्म से महान नहीं था। जब वे बड़े हुए और उत्तम श्रेष्ठ कार्य करके बाद में प्रसिद्ध हो पाए। श्री कृष्ण तो जन्म से ही दिव्य थे और उनका गायन पूजन बाल स्वरूप से होता है, तो जरूर पूर्व जन्म में ही उन्होंने उत्तम कार्य किए होंगे। जेलर भार्गव ने अपने विचार रखते हुए कहा कि सभी को निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए, कर्म का फल तो अवश्य मिलता है। एक प्रेरणादायक कहानी भी सुनाई और बताया, संस्था से मेरा संपर्क बहुत पहले से है, जहाँ भी मैं जाता हूँ तो सौभाग्य से मुझे संस्था में आने का अवसर मिल ही जाता है। मुख्य अतिथि KL ध्रुव ने बताया कि आज मेरा भी जन्मदिन है, इसलिए मेरे माता पिता ने मेरा नाम कन्हैया रख दिया। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ मेरे द्वारा किसी को भी दुख ना पहुँचे। उन्होंने कहा कि माँ भारत भी द्रौपदी के कटु बोल से ही शुरू हुई। हमें अपना व्यवहार सभी से मधुर रखना है, बड़े बुजुर्गों का सेवा सम्मान कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है। इस अवसर पर बुलाए जाने पर धन्यवाद दिया। तत्पश्चात सभी ने केक काटा। इस अवसर पर सुभाषिनी रेड्डी, सुमन शर्मा, मतिता यादव, सत्यप्रकाश शर्मा, अमृता सोनी, राम नारायण पचेल, ननकू राम कलाकार ने मधुर गीत भजन प्रस्तुत किए। कार्यक्रम को सफल बनाने में विक्रांत नागवंशी, वर्सल साहू, तरुण साहू, जायमेन जीतुकई, श्वेता चंद्राकार, माया निम्बालकर, पुष्पा हेमलता साहू ने विशेष योगदान दिया। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।